नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? फ्रेंड, आज गुजरात टाइटन वर्सेस हैदराबाद का मुकाबला है टाटा IPL में, जो कि एक अच्छा मुकाबला होने वाला है। हैदराबाद जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, टॉप फोर में है, वहीं गुजरात टाइटन भी टॉप फोर है। दोनों ही टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही टीम के साथ एक बड़े प्लेयर हैं और दोनों ही टीम की कैटेगरी बहुत अच्छी है। तो आप देखते हैं कौन जीतेगा, और इस मैच के रिलेटेड में आपको बहुत सारी न्यूज़ देना चाहता हूँ, और न्यूज़ के अलावा आपको बताऊंगा कि कौन सा सिलेक्शन करना है और कौन सा नहीं आपकी, ताकि टीम एक अच्छी बन सके और आप एक अच्छा अर्न कर सके। तो आइए हम बताते हैं कि कौन सी टीम आपको चूज़ करनी है। बात करी जाए सबसे पहले हमें, क्योंकि विकेट कीपर की चॉइस करनी है, तो विकेट कीपर कौन सा होगा? तो सबसे पहले विकेट कीपर होगा जो कि वो अपन निकोलस पूरन। देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन निकोलस पूरन है और मैथ्यू वेड क्योंकि आप नहीं खेल रहे हैं, और यहाँ पे विद्वंसा, ये सब आपको ऑप्शन मिलेंगे। मैथ्यू वेड नहीं खेल रहे, विद्वंसा इतने अच्छी फॉर्म में, एक पूरन ऐसे प्लेयर हैं जो बीच में आके धमाका कर सकते हैं, तो मैं इनके साथ ही जाऊँगा। और दूसरे फिर आते हैं बैट्समैन सेलेक्ट करने के लिए, तो बैट्समैन में हम करेंगे राहुल त्रिपाठी। तो यहाँ पे हम राहुल त्रिपाठी लेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं राहुल त्रिपाठी किस फॉर्म में चल रहे हैं। शुभम गिल GT की तरफ से बहुत बड़े प्लेयर हैं, और यहाँ पे मैं लूँगा केन विलियमसन को। यहाँ पे मिलर को अवॉइड एक बार एक कर सकते हैं, क्योंकि मिलर ऐसे प्लेयर नहीं है जो हर मैच में चले। तो हम शुभम गिल, त्रिपाठी और विलियमसन के साथ जाएंगे। अब चौथा है, यहाँ पे आप आनंद शर्मा, अभिनव मनोहर, इन्हें लेना है। देखिए ये प्लेयर होते हैं जो डिस्को में आपको जिताते हैं। अगर मैं अभिनव मनोहर और या अभिषेक शर्मा लेता हूँ, अभिषेक शर्मा क्योंकि ओपनिंग पे आएंगे, यहाँ से थोड़े से रन मार देते हैं आपकी रैंकिंग अच्छी रखेंगे, इसलिए मैं इनको लूँगा। टॉप प्लेयर हैं, टॉप पे आते हैं, ठीक है। अब ऑलराउंडर का सिलेक्शन हम करते हैं। ऑलराउंडर के लिए हमें जो मैं चूज करूँगा वो है हार्दिक पांड्या। हम सब जानते हैं किस फॉर्म में है हार्दिक पांड्या, मकरम, ये दोनों ही मेरी चॉइस में रहेंगे। बाकी वाशिंगटन संधू क्योंकि चोट लग गई है इसलिए बाहर है। तीसरे त्वेतिया हो सकते हैं जो आपकी इनिंग्स को एक स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो अब तक की जो टीम देखी जाए, तो यहाँ पे त्रिपाठी, गिल, विलियमसन, अभिषेक शर्मा, वहीं हार्दिक पांड्या, मकरम, त्वेतिया। देखिए अभी हमने 8 प्लेस सेलेक्ट कर दी हैं, जिसमें GT के 3 हैं और हैदराबाद के 5 हैं। अब हमें 3 करने हैं, वो है हम बॉलर्स में सेलेक्ट करेंगे। तो ये बॉलर्स को एक बार देख लेते हैं। देखिए बॉलर्स में हमें, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे पहले टीम नटराज है, जिनकी बॉलिंग अभी तक IPL में बहुत अच्छी रही है, टॉप प्लेयर है, टॉप ऑफ द मैन है, तो आप इन्हें लें। राशिद खान के बिना आप नहीं जा सकते, इनकी बॉलिंग अच्छी है, और इस बार हालांकि राशिद खान इतना ज़्यादा नहीं चला और मैचों के मुकाबले, तो एक बार इन्हें अवॉइड भी कर सकते हैं। वही मोहम्मद शमी आपको प्रायोरिटी होगी, मोहम्मद शमी ऐसा प्लेयर है जो विकेट जरूर निकालता है मैच में, तो आप इनको लें। अब तीसरे आएंगे या तो भुवनेश्वर कुमार, मार्को जैसन या उमरान मलिक। देखिए इस वक्त उमरान मलिक अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं या मार्को जैसन भी अच्छी कर रहे हैं, हमें इनको लेना होए या इनको। भुवनेश्वर कुमार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही, इसलिए मैंने नहीं लिया। अब यहाँ से आपके पास ऑप्शन है, क्या द्वितीय को निकाल दें, नटराजन, शमी, जेनसन के साथ जाएंगे, तो आप फ्यूक्सन भी ले सकते हैं, क्योंकि फ्यूक्सन ने भी एक अच्छी बॉलिंग करी है। तो हम इस तरीके से अपनी टीम बना सकते हैं कि हम मोहम्मद शमी, फ्यूक्सन या जोसफ को भी ले सकते हैं, आप ऐसे बना सकते हैं अपनी टीम। आइए कैप्टन वाइस कैप्टन के ऊपर भी थोड़ा हम बात कर लें।
देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए यहाँ पे अगर आपको लेने हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। विलियमसन बहुत आराम से उस टीम को आगे बढ़ाते रहते हैं, आपके लिए एक अच्छे कैप्टन होने के चलते हैं। डेल भी वैसे ही हैं, पार्टी का अगर बदला चल जाए तो बहुत बढ़िया है। पांड्या इस वक्त अच्छे फॉर्म में, ये सब कैप्टन वाइस कैप्टन है। और मकरम और पुल, अगर आप मेरी चॉइस लेंगे तो मकरम मेरे कैप्टन होंगे और हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन। दो फ्रेंड्स बनाइए हमने ड्रीम इलेवन की टीम। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। और थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।